कहाँ से आपकी शुरुआत हुई इस डिश की? जी, मेरा नाम रानी रंगीली है, मैं राजस्थान से हूँ और डांसर, एक्टर और मेरी खुद की कंपनी भी है, म्यूजिक कंपनी रानी कैसेट। जी, किससे प्रेरणा मिली जो इस फील्ड में आए हैं? मेरी मम्मी के दुख देखते हुए मैं वो देख के बस बनी हूँ और माधुरी जी से मैंने मतलब उनको फॉलो किया है, मैंने उनसे प्रेरणा मिली मुझे कि मैं ये लाइन। थोड़ा सा अपने बारे में कुछ दर्शकों को खुद बताएंगे कि कौन सा मतलब किस वक्त आपने इसमें कदम रखा डांस में और संगीत के क्षेत्र में? अच्छा, उम्र थी 13-14 साल की थी मैं जब इस लाइन में आई हूँ। तो जब मैं छोटी थी तब भी मेरे पापा शांत हो गए थे, डेथ हो गई थी पापा की। तो मेरी मम्मी ने, हम 10 बहन भाई हैं, तो बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस के बड़ा किया है मम्मी ने। तो ये दुख देखते हुए मैंने ये लाइन चुनी कि मैं कुछ बनूँ। हुनर तो मेरे में बचपन का ही है, तो मैं इस लाइन में यही बनना चाहती थी कि मैं कुछ बनूँ, परिवार के लिए कुछ करूँ और ढेर सारा पैसा कमाऊँ, उनको जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी दे सकूँ, बस इसीलिए मैंने ये लाइन चुना। आपका नाम बहुत अलग है जी, नाम कैसे पढ़ा, थोड़ा उस बारे में बोलें। नाम इसलिए पढ़ा कि मेरा जो शो होता है, मतलब जैसे पहले शो होते थे मेरे, छोटे मोटे शो होते थे पहले जब मेरी शुरुआत थी, तो मेरे गुरु हैं गोपाल जी गुजर, जिन्होंने मुझे मंच पे देखा तो मेरा एक अलग ही एक था, अलग ही डांस था। राजस्थान में बिल्कुल डिफरेंट डांस लेके आई थी मैं, तो वो देखते हुए रानी, मेरा नाम वॉर लेडी है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके जो लटके झटके देखते हुए रानी रंगीली सरनेम लगा दिया। अच्छा, आपके डांस तो सच में अलग है जी, जो राजस्थानी डांस है, जो हरियाणी डांस होते हैं, क्या कुछ उसमें अलग करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए उसके अंदर? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हरियाणा की मैं नहीं बोल सकती, दूसरी हमारा जो राजस्थान है वो बहुत अच्छा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज होना चाहिए। अच्छा, आपको फ्यूचर में अगर रियलिटी शो में कहीं जाने का अवसर मिले तो? बिल्कुल, ऐसा मौका मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले जाना चाहूँगी और मेरा जो हुनर है वो मैं दिखाना चाहूँगी बड़े पर्दे पर। कुमार जी, आप बताइए कि खास करके आपका इनके साथ पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल दोनों ही रहा? प्रोफेशनल बहुत ही अच्छा रहा, पर्सनल भी बहुत ही अच्छा रहा। वैसे 7 साल से एक साथ से जुड़े हैं हम, और जब से मैं जुड़ा इनके साथ तो फर्स्ट में एक गाने के थ्रू ही मैं मिला था इनसे, तो फर्स्ट ही गाना हमारा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ जो टाइटल हरियाला बना, राजस्थान का बहुत ही फेमस सॉन्ग है। तब से बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, जो भी गाने किए सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग है और बिल्कुल मिलियंस में व्यूज़ हैं यूट्यूब पर। और रानी जी जैसी हैं अभी दिख रही है वैसी बहुत ही अच्छी, पर्सनली भी बहुत ही अच्छी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इनमें कि बहुत हार्ड वर्किंग है और बिल्कुल हर समय बस काम का सोचती है, कुछ नया करने का सोचती है। इसके अलावा आगे आने वाले फ्यूचर में क्या आपने प्लान किया है कि रानी के साथ कुछ भी करने लिए, इसके अलावा म्यूजिक वीडियो जो है? बिल्कुल ढेर सारा काम करना है, अभी तो शुरुआत है। कनुजा जी, आप आए इनके लिए, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप रानी जी के लिए आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो वंस अगेन विश यू वेरी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और बचपने में हम कहानी सुनते थे अक्सर कि एक थी रानी, और मुझे नहीं मालूम था ये रानी रंगीली होगी, और आज पहली मर्तबा इस रंगीली रानी को अपने साथ पा रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बचपन की कहानी आज साक्षात्कार हुआ है, तो मैं अपने आप को बहुत शुक्रगुजार मानता हूँ। और दूसरा ये कि जैसा इन्होंने जितना बोला अभी, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वाकई ये अपने आप में बहुत कर्मठ है, और इनकी एक विशेषता मुझे ये लगी वो ये कि बिना अश्लीलता के, बिना फोहड़ता के, बिना उलसुलुल कमर मटकाए ये एक अच्छा स्वदेशी अपना नृत्य दिखा रही, प्रदर्शन कर रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये वाकई काबिले तारीफ है, और राजस्थान का तो नाम ये ऊँचा कर ही रही है, साथ ही साथ देश विदेश का नाम भी ये तिरंगा फहरा रहे हर जगह, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इनकी USP ये कि इनकी सादगी, और सादगी को इतनी सहजता से आपके सामने पेशकश करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उम्दा बात है, तो मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। मैं बिल्कुल कमर मटकाऊंगा, बिना सोचे समझे निसंदेह कमर मटकाऊंगा। जी जी बिल्कुल, मैं रानी जी के लिए आई। पर्सनली होता है कि आप रानी जी से मिलने के लिए आए? जी जी जी। और आप ये जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, कहना चाहते हो, सबसे बात कि आप डॉक्टर हैं? जी, देखिए स्पेशली रानी जी राजस्थान से हैं और मैं हरियाणा से हूँ,
तो हमारा एक अलग ही केमिस्ट्री होगी दोनों की ना। और वुमेंस को तो आगे बढ़ना ही चाहिए, और ये इतनी मेहनत कर रही है तो ऑफ कोर्स आप बहुत आगे जाओगी। और मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ कि आप रियलिटी शो में कहीं बड़े पर्दे पे आओ और मतलब राजस्थान की एक लड़की धूम मचाए आगे ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपके क्या क्या प्रोजेक्ट, कुछ बॉलीवुड में किए आपने? क्या नाम क्या आपका? डॉक्टर रेनू सारन। कुछ बॉलीवुड में किए प्रोजेक्ट आपने? मैंने एक जैसे रानी जी सोशली करती, मैंने भी एक सोशल मूवी की है कन्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। एक मेरी बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ एक कॉमेडी मूवी भी है, राजकुमार जी भी देख चुके हैं वो मूवी। और कुछ एल्बम सॉन्ग हैं और अभी चल रहा है प्रोसेस में, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आएंगे। देखिए मैंने कुछ टाइम पहले किए थे, बीच में ड्रॉप कर दिया था, अभी फिर से स्टार्ट किया है 2018 के आसपास किए थे सॉन्ग्स। अभी हालिया आपने दुबई का भी ट्रिप किया है? वो यस, वो आईफा में मेरा इनविटेशन था एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, तो आईफा में मैं गई थी। अभी मुझे रिसेंटली दिल्ली में टाइकून अवार्ड्स भी मिला, तो आई एम हैप्पी, मुझे भी कुछ करना है अभी इस लाइन में। सपना जो है गाड़ी मानी जाती है हरियाणा में जी, तो आप कितना लाइक करती हो? देखिए मैं सपना को बहुत लाइक करती हूँ जी। सपना को मैं तो बहुत मतलब पसंद ही करती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनती है, बहुत बचपन से उसने स्टेज पे डांस करना, और स्टेज पे डांस करना ऐसे ही नहीं है पब्लिक के सामने, उसने अपना हुनर दिखाया है और मेहनत की, अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, तो मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ सपना चौधरी को। और मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा, सपना चौधरी इनके साथ मैंने प्रॉपर एक आइटम नंबर किया, डांस आइटम नंबर, मेरी फिल्म आ रही रिलीज होने को है, फिल्म का नाम है गुल्लू शादी मुबारक, जिसमें सपना और मैं ही हूँ फ्रेम में। रानी जी आपका कौन आइडल है बॉलीवुड के अंदर? माधुरी दीक्षित। वाओ, बचपन से ही फॉलो करती हूँ उनको, देख के एक्टिंग सीखी हूँ उनको, देख के डांस सीखी हूँ, और सिंगिंग मेरे अंदर का ही जुनून है। क्या बात है, आप क्या प्रोफाइल है सर आपका? मैं को स्टार हूँ रानी जी का, और सारे गाने हमारे ब्लॉकबस्टर जोड़ी चलती है राजस्थान के अंदर, महेंद्र सिंह और रानी रंगी जी। एक्टिंग करता हूँ सर, और कभी कभी मौका मिलता है तो गाना भी गा लेता हूँ, मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ खास है, इसलिए रखी आपने? बस राजस्थान के रंग और मुंबई में बिखेरने आए, और आप लोगों से खास मुलाकात, बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए कि आपसे मिली हूँ मैं। कोई अनाउंसमेंट है आज, नया खुलासा है कुछ? ऐसा तो अभी कोई डिसाइड नहीं है, पर जरूर अगर कोशिश जारी है करेंगे कोई धमाका। फिल्म में एल्बम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर होगा जरूर। अच्छा आप जानना चाहूंगा कोई राजस्थानी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, एक सुना दे आप दोनों। कौन सा गाना जो आपका गाना हिट हुआ? जो सारे गाने हिट है वैसे, कोई एक सुना दे। हाँ, जो अभी मेरा सॉन्ग है डीजे सॉन्ग है, 250 मिलियन पे है वो, अभी वो अभी बहुत ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, वो गाती हूँ मैं। आपने पहले भी होता है कि अपने म्यूजिक वीडियो की खास करके वर्गर को आपने प्राथमिकता दी पहले, जिस वर्ग में बहुत ही घमासान छिया था राजस्थान। किसने कहा आपको? नहीं, जैसा सुनने में मुझे आया। नहीं नहीं, आपने किससे पूछ के ये सवाल किया? आप देखो पहले, वल्गर तो हमने कभी नहीं किया मंच पे। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल ही गलत कर रहे हो ना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। लेकिन आपको पूरे एफआईआर हुए थे? नहीं नहीं, वो हुआ था, पर वो मैटर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी, आप बिना देख के कोई सवाल मत करो मुझसे प्लीज, मतलब जो भी है आप। नहीं नहीं कुछ, नहीं नहीं नहीं, उसका कोई मैटर ही नहीं, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका कोई भी मैटर नहीं है। आप जो कह रहे हैं वल्गरता, वल्गरता तो हो ही नहीं सकता हमारे राजस्थान में, जो मैं लेके आई हूँ उसमें तो नहीं है। अभी नई लड़की जो आ रही है वो टीआरपी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी, मेरे जो एल्बम है, मेरे जो स्टेज शो है, वो आम जनता अपनी फैमिली के साथ देख सकती है, उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि या अभद्रता हो रही या गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो बात आपकी सही है, आप जो सवाल करने वो सवाल करो ना, इनका सवाल का कोई मतलब ही नहीं है जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। अधिकांश ये होता है कि अपने चैनल के टीआरपी या फिर व्यूज के लिए इस तरह से कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है। नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मुझे इसलिए नहीं है टीआरपी की ज़रूरत, कि मैं जो हूँ, जब सीडी चलती थी,
सीडी चलती थी, डीवीडी सीडी, तब से मैं इस मार्केट में हूँ। जब मेरा शो होता था तब भी मुझे 2 लाख 2.5 लाख पब्लिक देखने के लिए आती थी, और आज जब सोशल मीडिया का जो ज़माना है, आज भी मेरे लिए वही पब्लिक आती है। तो मुझे मेरी पब्लिसिटी के लिए या टीआरपी के लिए मुझे ये सब गाली गलौज ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप भद्रता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक अलग ही छाप है राजस्थान में। जब रानी रंगीली आती है ना, तो पूरी दुनिया एक साइड में होती है, रानी रंगीली एक साइड में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं ऑफर, और आएगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। मेरा जो टैलेंट है और राजस्थान की जो रंग है, वो बिग बॉस में मैं जरूर बिखेरना चाहूंगी। एक बार गाने के जरिए तो बिखेर दीजिए, मैं वापस अपने सवाल पे आ रहा हूं। जी, कब से भाव इधर हो रहा है, सुनाइए। कमर या लचक है, दिल मारो धड़के, डीज जोहर को बाजे डीजे पर नाच लो, नाचो नाचो डीजे पर नाच लो। चढ़ती जवानी मांगे या पानी, डीज जोहर को बाजे डीजे पर नाच लो, नाचो नाचो डीजे पर नाच लो। एक्चुअली क्या है, मतलब मेरा जो गुस्सा है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। मेरे को राजस्थान में जिद्दी के नाम से जाना जाता है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा आता है तो मैं खुद को भी नहीं संभाल पाती हूँ, इतना तेज़ गुस्सा आता है। मतलब जिसके साथ मैं सही हूँ उसके साथ बहुत अच्छी हूँ, जिसके साथ बुरी हूँ हद से ज़्यादा बुरी हूँ, जितनी आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतनी बुरी हूँ। और अफेयर का तो ऐसा है कि मैं अभी इस टॉपिक पर कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो वैसा कुछ नहीं है, मेरे पे जिम्मेदारी बहुत है, मुझे फैमिली को बहुत देखना है। अभी तक पापा नहीं है तो सब जिम्मेदारी मुझे देखनी है, इसलिए बस। और रेनू जी, आप क्या कहेंगे, मान लीजिए आप दोनों, आप दोनों को अगर एक साथ किसी रियलिटी शो में भेजा जाता जी, तो वहां आप दोनों की किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी? देखिए, हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि ये राजस्थान से और मैं हरियाणा से, तो दोनों कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है ना, तो अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, एक शांत और एक जिद्दी। सपना की कहानी आपसे कुछ मिलती जुलती नहीं लगती है, आपको लगता है? जी, आपसे आप मेरे से बोल रहे हैं? हाँ। मेरे से? हाँ हाँ, कह रहे कि मेरे लिए खाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ 60-70% नहीं, उनका थोड़ा अलग है, हरियाणा का थोड़ा सा अलग है, हमारा राजस्थान बहुत, आप समझ सकते हैं, मतलब नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं हरियाणा में भी शो करती हूँ, ऐसी बात नहीं, हमारे राजस्थानी लोग रहते हैं, पर उनका थोड़ा अलग है, हमारे उस टाइप का नहीं होता डांस वगैरह, मतलब थोड़ा मर्यादा फैमिली वो होता है। बुरा ना लगे किसी को, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, घूंघट में रहना चाहिए, यही अपनी मर्यादा है, संस्कारी संस्कार तो इसी में है, फिर तो फिर वही। राजस्थान में तो इनकी खाप पंचायत जो होती है वो बहुत चलती है। हाँ जी, खाप खाप घूम गया भी किधर बस।